टेल मी। Honestly, this season was such a blast to see you performing so well. So, अगर शुरुआत से अब तक की जर्नी की बात की जाए करिश्मा, कौन कौन सी चीजें जो आप ख्याल में आती कि मैंने सोचा भी नहीं था आपने शायद जो जो होने वाला था इस शो में? फर्स्ट ऑफ ऑल सोचा नहीं था कि मैं ये शो को शो में पार्टिसिपेट करूंगी भी, क्योंकि मैं बहुत ही डरी हुई थी, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने ऑलमोस्ट ऑल द रियलिटी शोज कर लिए है, पर ये शो को करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इसमें बहुत ही मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। और मुझे लगा था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट कैसे तैसे मैंने ये शो किया एंड अपनी जगह बनाती गई मैं आगे आगे जाकर। एंड यस, यू आर एज अ विनर एंड आई एम लविंग इट। जब जब टॉप्स की बात आ रही थी, टॉप 5 में, फिर टॉप 3 में, फिर टॉप 2 में, जिस तरह से एक-एक स्टेप आगे बढ़ रहा था, कौन सी वो फीलिंग थी जो सबसे ज्यादा आपको लग रही थी? क्योंकि मुझे लगा बहुत समय बाद आई गेस कोई फीमेल कंटेस्टेंट को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला जीतने का. जी, लिटरली बहुत सालों के बाद एक फीमेल कंटेस्टेंट जीती है, और जब मैं टॉप 3 में आई थी तो तब मुझे लगा कि अब तो मुझे जीतना ही जीतना है, क्योंकि इतने पास आ गई हूँ मैं ट्रॉफी के, तो अब तो एक लड़की जीतनी ही चाहिए। मैं कुछ फेमिनिस्ट नहीं हूँ कि लड़की और लड़के में भेदभाव करूँ, पर मैं चाहती थी जी कि इस बारी एक लड़की जीते ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। ओके, टास्क की बात करें तो ऐसा तो अब कोई टास्क नहीं बचा होगा जिसको आपने परफॉर्म नहीं किया होगा, लेकिन अभी भी कोई ऐसा है जिसके लिए आपको डर लगता है सोच के भी कि हाँ ये टास्क अगर फिर से करने मिला तो मैं शायद डर जाऊं? नहीं, मुझे कोई टास्क से अब डर नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स एक कंपटीशन में आते तो वो डर आ जाता है, क्योंकि आपको कम्पीट करना है, आपको अच्छा करना है, आप दूसरे कंटेस्टेंट के टाइमिंग को बीट करना चाहते हो, तो वो सब आ जाता है। पर मुझे कभी भी किसी भी चीज की फोबिया या हाइट से डर ऐसा कुछ नहीं था, लकीली। ओके, एक मोटिवेशन जो आपके अंदर जो हमेशा से था वो किस चीज से था? कि मॉम ने जो विश्वास मुझ पर रखा है उससे मैं पूरा करूं, मम्मी को निराश और मैं अपने फैंस को भी निराश ना करूं। ओके, तो आई करिश्मा, देयर वाज अ फैन क्वेश्चन हियर आई सॉ कि आपको क्या लगा था तेजस्वी आपके लिए बिगेस्ट कंपटीशन हो सकती थी? तेजस्वी धर्मेश दोनों बहुत ही अच्छे कंपटीशन थे। मैं एक इंसान का नाम नहीं लूंगी। एक दिन, एक हफ्ता ऐसा होता था जहां धर्मेश माइंड ब्लोइंग करता, एक हफ्ता ऐसा होता था जहाँ अदा बहुत अच्छा करती थी, मतलब सबको शॉक कर देती थी, एक हफ्ता ऐसा होता था जहाँ करण हाँ शॉक कर देता था, और एक हफ्ता ऐसा था जहाँ तेजस्वी सबको शॉक करती थी। तो ऐसा मैं एक इंसान हाँ के पर यस, डेफिनेटली धर्मेश के साथ, तेजस्वी के साथ स्टंट्स करने में ज्यादा मजा आता था, क्योंकि वो लोग स्ट्रांग थे तो मेरे लिए भी बहुत हाँ चैलेंज। तो और एक लड़की थी, तो मुझे लगता था कि अगर हम दोनों टॉप 3 में आ जाएंगे तो हम दो लड़कियां लड़कों पे भारी पड़ेगी एंड ऑल दैट, तो मैंने वैसा सोचा था, पर बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ तेजस्वी के साथ। सॉरी, मेरा बैटरी लो। अच्छा, एक चीज और सभी के दिमाग में, ओके, एक चीज और सभी के दिमाग में था कि प्रॉक्सी शायद उनका लगा सकते थे, सब लोग काफी गुस्सा हो रहे थे कि शायद हेल्प मिल सकती थी उनको, वो हेल्प नहीं की गई, जानबूझ के नहीं करना चाहते क्योंकि सब अपना चाहते थे कि वो अपना वो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही डिस्कशन हुआ था। वो टीवी पे ऐसा दिखाई देता है कि हम लड़कियां या हम कोई भी उनकी प्रॉब्लम चाहते थे। पहली बात तो तेजस्वी ने ही क्विट कर दिया था, अगर आपने एपिसोड, तो तेजस्वी ने कभी भी हम कंटेस्टेंट से प्रॉक्सी नहीं मांगी थी, वो हाँ जैन सर ने मांगी थी हम सबसे। तो जब कंटेस्टेंट को ही शो नहीं करना है, कंटेस्टेंट ने ही क्विट कर लिया है, तो हम जो दूसरे कंटेस्टेंट है वो कैसे हम हेल्प कर पाएंगे ना। सो अगर तेज एग्जैक्टली मांगती तो शायद चैनल को स्टार विवेक विशिंग मी कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। तो अच्छा, जब कह सकते कंटेस्टेंट थे भी आपसे नहीं मांगते और कंटेस्टेंट को ही बहुत दर्द हो रहा था और वो एक ट्रॉमा से गुजर रही थी, तो हमको लगा शायद यही उसके लिए बेटर है, और हम सेमीफिनाल में पहुंच गए थे। तो सब यहाँ जीतने आए हैं, कोई सच बोले ना बोले, सब शो में जीतने आए हैं, और सेमीफिनाले के उस स्टेज पर आकर आप अपने आप का जो चांस है वो गंवाना नहीं चाहते। बीट बलराज, बीट करण, या धर्मेश हो या मैं हूँ, कोई भी हो, अगर तेजस्वी खुद होती तो वो खुद शायद किसी के लिए प्रॉक्सी नहीं सब यहां जीतने आए हैं,
लेट्स बी वेरी फ्रैंक, और वो दूसरे कंटेस्टेंट के लिए डेफिनेटली अनफेयर होता. एग्जैक्टली. अच्छा, एकता कपूर ने थोड़ा सा हिंट दे दिया था सभी को कि आप ही जीतने वाली थी, तो आपके अंदर पर्सनली कितनी एक्साइटमेंट थी सभी को बताने के लिए? बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि हमने आई थिंक एक दो दिन पहले शूट किया और उसके बाद टीवी पर आने वाला था, बट अकॉर्डिंग टू द कांट से इट. और मैम ने भी खाली कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा था, बट इट वाज डैम क्यूट क्योंकि होता है ना कि कंट्रोल नहीं होता है. पोस्ट करना है अपने फ्रेंड के लिए एंड शी टेक्स मी एज अ वेरी डियर फ्रेंड, सो या. Okay, there was even a fan question that without any Godfather, you made such a brilliant and amazing journey. को नहीं दी गई थी उतनी चांसेस, नहीं मिलने के चांसेस थे, तो किस तरह से आपने अपने आप को हमेशा कैरी किया और क्या कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, ऑफ कोर्स मेरा कोई गॉडफादर नहीं है इस इंडस्ट्री में, बट मैं वो सिंपथी नहीं लेना चाहती हूँ. गॉडफादर नहीं है तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके गॉडफादर नहीं है पर उन्होंने मेहनत कर कामयाबी पाई है. तो बस यही है, किसी किसी को जल्दी से मिल जाता है, किसी किसी को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है. मेरे केस में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है मुझे टू रीच सक्सेस, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम अबाउट इट. मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं स्ट्रगल करने के बाद मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, क्योंकि मुझे सक्सेस का जो वो होता है, एक्चुअल सक्सेस होता है, वो मैं फील कर पा रही हूँ. Shifted in this house, और मुझे मिला है to click the pictures and put it. तो lockdown हुआ, मैं shift हुई, lockdown हुआ और ये लगा दिए और अब मैं wait कर रही हूँ. ये actually ये मेरी family के pictures है जो मैंने लगाए हैं और मुझे सारे के सारे black and white चाहिए. अब मैं wait कर रही हूँ कि कब click, कब मैं post करूँ, I mean, कब मैं इसमें लगाऊं, तो उसका वेट हो रहा है, इसलिए फ्रेम पर बहुत खड़ा हुआ देखेंगे. अच्छा, साथ ही जो क्वेश्चन एक भी था कि जिस तरह से आप पूरी तरह से अपने आप को कैरी कर दिए तो बिंदास तरीके से, तो कोई ऐसे थॉट्स हैं आपके कि कौन सा वो लड़का होगा जिसके साथ आप शादी करना चाहेंगी? ये एक क्वेश्चन था. है कौन सा वो लड़का था, किसमें लड़का मतलब? नहीं नहीं, दे आर जस्ट आस्किंग जिस तरह से बिंदास आप हैं, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करती हैं, वो कौन सा लड़का होगा जिसके साथ आप डेट या शादी करना चाहेंगी? मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा फ्रेंड हो. बेसिकली मुझे फॉर्मल रिलेशनशिप्स पसंद नहीं आते. मुझे जिस रिलेशनशिप सोच समझ कर बातें करनी होती है, जिस रिलेशनशिप में फॉर्मेलिटी होती है, वो मुझे समझ में नहीं आती है और मैं उस लड़के के साथ कभी शादी नहीं कर सकती. तो मुझे मेरे जैसा लड़का चाहिए जो मेरा बड़ी हो, मेरा फ्रेंड हो, मेरा फादर फिगर हो, जो मुझे समझे, जो फनी भी हो. तो मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए. और मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं फिल्मी डायलॉग मार रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरे लिए कोई बना हुआ है और वो बहुत जल्द मेरी जिंदगी में आ जाएगा. ओके. What kind of dating would you prefer, in love marriage type or arranged marriage type, or what would be your kind of loving of some person? जैसी मैं हूँ, मुझे लगता है कि मैं love marriage ही करूँगी. Arrange marriage मेरे लिए नहीं है, for sure मेरे से नहीं होगा. मैं जैसे मैंने कहा, मैं formality के साथ नहीं बात कर पाती, तो मैं चाहती हूँ love marriage ही करूँ और जल्दी करूँ. Oh my god. Okay, there was a quick question.
दैट वाज कि व्हाट वाज योर फर्स्ट इम्प्रेशन व्हेन यू वर ऑन सेट्स, जब आप शूट करने के लिए पहली बार गए थे खतरों के खिलाड़ी? डर एंड ओनली डर के भाई मैं खतरों के खिलाड़ी में आ गई हूँ, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ और क्यों, तो ये था। तो आई थिंक दिमाग में चल रहा था कि आई थिंक मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं ये टीवी पे देखती तो बेटर होता, पॉपकॉर्न खाती देखती अच्छा रहता, मैं क्यों आ गई हूँ इस शो में। पर मैंने अभी मुझे लगा कि चलो अभी मैं जर्नी स्टार्ट कर ही लिए तो फोकस किया जाए और अच्छी तरह से किया जाए, एंड हियर आई एम। ओके, फर्स्ट स्टंट एक्सपीरियंस कैसा था आपका?